बॉक्स ऑफिस पर फाइटर बनेगी सबका बाप। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऋतिक रोशन का जलवा एक बार फिर से दिखने वाली है, दीपिका पादुकोण का जलवा फिर से दिखने वाली है। तो दोस्तों 2023 में एक फिल्म आती है, बॉक्स ऑफिस पर सीधा सिस्टम फाड़ के जाती है, यानी कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ फाइटर का। तो दोस्तों 2023 में फाइटर आती है, ऋतिक रोशन जूनियर NTR नजर आते हैं फिल्म के लीड रोल में। और दोस्तों अब पार्ट टू की खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के पार्ट टू की नज़र आ रही है, जो कि दोस्तों ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसी साल होगी और अगले साल तक फिल्म को रिलीज़ किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी साल शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा फाइटर टू का और बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हर बार इतनी बेहतरीन फिल्म नहीं आती है बॉक्स ऑफिस पर। बॉक्स ऑफिस पर आएगी सीधा सिस्टम फाड़ के जाएगी फिल्म। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छा खासा स्क्रिप्ट के साथ फिल्म का फिर से आना तय है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा फिल्म रहेगी और बॉक्स ऑफिस पर एक्शन से भरी फिल्म रहेगी। तो दोस्तों अच्छा खासा फिल्म रहेगा बॉक्स ऑफिस पर, ऋतिक रोशन का एक्शन अवतार फिर से देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 2023 की फिल्म अब पार्ट टू आ रही है, तो दोस्तों लाजवाब है कि दीपिका पादुकोण के साथ एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर धमाका करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों फाइटर टू आती है तो एक बार फिर से दीपिका पादुकोण के साथ आएगी और बॉक्स ऑफिस पर एक अच्छा खासा न्यूज़ रहेगा। ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण दोनों नजर आएंगे बॉक्स ऑफिस के लिए। तो दोस्तों फिल्म के लिए क्या एक्साइटमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर डालें और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल समोसा क्रिटिक्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और दोस्तों आप दे सकते हैं भाई को इजाज़त, क्योंकि दोस्तों भाई इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ लेकर सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से हाजिर होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए और आप दे सकते हैं भाई को सीधा सीधा इजाज़त।